Mais avant tout, fais bouger la tête. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कन्हैया, आप सभी को टेक्निकल स्टार जी चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल क्रिकेट 18 गेम के ऊपर। तो रियल क्रिकेट 18 गेम के अंदर एक न्यू फीचर्स ऐड हुआ है जो कि कोई भी एंड्रॉइड क्रिकेट गेम पर अभी तक नहीं है, और उसका सेकेंड प्रोमो रिलीज हुआ है उसका फेसबुक पेज में। और साथ साथ रियल क्रिकेट 18 हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए अपकमिंग क्रिकेट गेम भी है। तो इसलिए दोस्तों आज का जो ये वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर भी एक क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह के जब भी गेमिंग वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को जितने भी हो सके लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे जितने भी क्रिकेट फैन हो जो क्रिकेट गेम को पसंद करते हो वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो रियल क्रिकेट 18 हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए अपकमिंग क्रिकेट गेम भी है, और साथ ही साथ उन्होंने जो सेकेंड प्रोमो रिलीज किया है उसका फेसबुक पेज में, तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया गया है कि ये जो गेम है इसके अंदर जो फीचर्स ऐड हुआ है वो कोई भी एंड्रॉइड क्रिकेट गेम पर नहीं है। मतलब जो फीचर्स आया है उसके अंदर उन्होंने दिखाया गया है कि एक प्लेयर जाके दूसरे प्लेयर से बात करेगा उंगली दिखा के, मतलब एक एंग्री मोड स्टाइल, जो कि लड़ाई फीचर्स है वो इस गेम के अंदर ऐड हुआ है जो कि कोई भी एंड्रॉइड क्रिकेट गेम पर अभी तक नहीं है। शायद ये फीचर्स देख के वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 वाले भी ये फीचर्स कॉपी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये फीचर्स उन्होंने पहले रिलीज किया है, मतलब रियल क्रिकेट 18 ये फीचर्स पहले रिलीज किया है। तो ये जो फीचर्स है ना दोस्तों इस गेम के अंदर आया है, और उसके साथ साथ ये गेम का पॉपुलरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस गेम का रिलीज डेट लगभग फरवरी के एंड में होगा, और साथ ही साथ इस गेम के अंदर जो पहला प्रोमो रिलीज हुआ था, मतलब प्रिविलियन में प्लेयर को जो जा रहा था उस तरह के उन्होंने छोटा सा क्लिप दिखाया था उसका फेसबुक पेज में, तो उसके बाद उन्होंने ये जो ट्रेलर है, मतलब एक प्रोमो बोल सकते हो, तो उन्होंने उसका फेसबुक पेज में ही डाला है। तो मैं आपको उसका फेसबुक पेज में लेकर जाता हूँ, और उसका जो फेसबुक पेज का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी उसका फेसबुक पेज में जा सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो इस पेज के अंदर 84,000 लाइक हो गया है, और कल रात को वो ये वाला प्रोमो रिलीज किया था, मतलब एंग्री मोड स्टाइल प्रोमो रिलीज किया था सेकेंड प्रोमो, और उसके बाद फास्ट प्रोमो प्रेविलियन वाला प्रोमो उन्होंने रिलीज किया था। तो उसके बाद उन्होंने एक और फोटो उस पेज में दिया है, तो उन्होंने दिखा कि इस गेम के अंदर DRS का ऑप्शन भी है। तो ये सारा फीचर्स वो इस गेम के अंदर ऐड किया है, और उसके बाद आपका ये इस गेम का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हो तो आप इस पेज के अंदर जाके आप पूछ सकते हो, मतलब इस डेवलपर लोग इस पेज को बहुत अच्छे से चलाते हैं। मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस गेम का रिलेटेड आप उसका फेसबुक पेज में डायरेक्ट जाके पूछ लो, आपको आंसर जरूर देंगे। तो मैंने पूछा था कि इस गेम का साइज कितना होगा, तो उस डेवलपर लोग मुझे बोला कि इस गेम का जो साइज होने वाली है वो 150 से 250 के अंदर होने वाली है। तो आपका कोई भी इस गेम के रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसका फेसबुक पेज के अंदर डायरेक्ट जाके पूछ लो, आपको आंसर जरूर देंगे, क्योंकि इस डेवलपर लोग इस गेम के अंदर ये फेसबुक पेज के अंदर हमेशा एक्टिव रहती है। तो ये जो फीचर्स है ना दोस्तों शायद वर्ल्ड क्रिकेट गेम भी कॉपी कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 गेम के अंदर ये फीचर्स नहीं है, तो शायद ये फीचर्स उन लोग देख के वो भी ये जो फीचर्स है उसका नेक्स्ट अपडेट के अंदर ये फीचर्स ऐड कर सकता है। तो ये जो फीचर्स है ना वो गेम के अंदर, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2 गेम के अंदर आ जाएगा तो और भी मजा आ जाएगा। साथ ही साथ वो जो WCB मतलब वर्ल्ड क्रिकेट बैटल गेम के अंदर भी ये फीचर्स आ सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं न्यू और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।